नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। मैं हूं आपके साथ कविता खत्रियाल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। लगातार पांच सेशन में गिरने के बाद बाजार में लौटी हरियाली। सेंसेक्स ने लगाई ट्रिपल सेंचुरी, निफ्टी का भी शतक। क्रूड में तेज गिरावट, ब्रेंट क्रूड गिरकर $66 के नीचे फिसला। अमेरिका में तेल भंडार बढ़ने से दाम गिरे। चीनी पर सरकारी नियंत्रण में, मिलों के लिए चीनी बिक्री पर लगा कोटा। जनवरी स्टॉक फरवरी के आखिरी तक होल्ड करने का आदेश। फैसले से बढ़ सकते हैं दाम। मारुति ने लॉन्च किया हैचबैक स्विफ्ट का नया अवतार। ₹5 लाख से कीमत शुरू। पहले से ज्यादा खूबसूरत और नए फीचर्स से लैस है नई स्विफ्ट। बजट वाले दिन आवाज ने तोड़े टीआरपी के सारे रिकॉर्ड। अपने प्रतिद्वंदी से 9 गुना रहा बड़ा। लगातार 13वें साल बादशाहत रही कायम। शुरुआत करेंगे शेयर बाजार में आज हुए कारोबार के साथ। और लगातार पांच सेशंस में गिरावट के बाद बाजार में आज हमने हरियाली लौटती हुई देखी है। लेकिन आखिरी घंटे में बाजार में मुनाफा वसूली का दबाव जरूर था और क्लोजिंग हालांकि अच्छे बढ़त के साथ हमने होती हुई देखी। सेंसेक्स ने ट्रिपल सेंचुरी आज लगाई, जबकि निफ्टी करीब 1% चढ़कर बंद हुआ है। और बैंक निफ्टी की बात करें, 250 अंक की बढ़त बनाने में ये कामयाब रहा। मिडकैप इंडेक्स में भी 0.2% की आज हमने तेजी का ही रुझान देखा है। लेकिन चलिए विस्तार से आज के कारोबार की हाईलाइट्स लेते हैं हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा से। और कल किन ट्रिगर्स पर रहेगी बाजार की नजर, हेमंत घई बताएंगे हमें। लेकिन पहले आशीष, आपके पास मैं आती हूँ, ये बताएं बाजार में आज के कारोबारी सेशन में हरकत सबसे ज्यादा किन किन शेयरों में हमने देखी? आज सबसे इंटरेस्टिंग पॉकेट तो फार्मास्यूटिकल्स थी। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स अगर आप उठाएंगे तो ज्यादातर फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स आपको नजर आएंगे। सिप्ला रिजल्ट्स कल आए थे, ब्रोकरेज की तरफ से अपग्रेड जाते हुए नजर आया, स्टॉक हरकत में था। सन फार्मा, इसकी सब्सिडियरी टैरो के कमजोर नंबर्स थे, उसके बावजूद 6.5% का उछाल। डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक में हमने देखा, अच्छी खरीदारी देखने को मिली। तो फार्मास्यूटिकल एक पॉकेट थी और हेवी वेट्स में अच्छी बाइंग थी। मिसाल के तौर पर इन्फोसिस में अच्छी बाइंग होती हुई नजर आई, HDFC में बाइंग थी, SBI में खरीदारी होती हुई नजर आई। कल ये दिग्गज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगा, तो ये हेवी वेट्स थे जो बाजार की आज मदद कर रहे थे। इसके अलावा इंटरेस्टिंगली आज एक पॉकेट जो मजबूत हुई जिनके दौरान होती सीमेंट, ACC और हाइडलबर्ग, इन दोनों कंपनीज के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स स्ट्रांग थे, 7% का उछाल। और इसका रब ऑफ पड़ा अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, बाकी तमाम सीमेंट स्पेस में जहां पर हमने देखा खरीदारी आती हुई। इसके अलावा रिजल्ट रिएक्शन, मैंने ACC हाइडलबर्ग की बात करी, लेकिन इसके अलावा रिजल्ट्स हैवी डे था आज। और आपकी स्क्रीन पे भारत फोर्ज 8% ऊपर, मुथूत, बलरामपुर, कैडिला, इन सब कंपनीज के रिजल्ट्स आए दिन के दौरान और सब में अच्छी खासी मजबूती के साथ कामकाज। बिल्कुल आशीष, लेकिन हेमंत ये बताएं कि अब बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स कल के कारोबार के लिहाज से कौन कौन से होंगे? आखिरी कारोबारी दिन होगा हफ्ते का। इम्पॉर्टेंट सेशन है, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी है। लेकिन ध्यान रखिए, जिस तरह से आज ट्रिपल सेंचुरी सेंसेक्स ने लगाई और सेंचुरी निफ्टी ने लगाई, तो बुल्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है। 7 दिनों तक करेक्शन के बाद जिस तरह से अच्छा बाउंस आज के सत्र में देखने को मिला है। देखिए, अगर ग्लोबल मार्केट्स यहाँ पर सुधर गए, डाउ में और कमजोरी नहीं देखने को मिली, और आज जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा था कि करीब 30-40 पॉइंट ऊपर ट्रेड वहाँ पर होने वाला है। और अगर ऐसा ही रहा मॉल तो फिर कल बुल्स हावी हो सकते हैं, यहाँ से और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आज की तेजी में शॉर्ट कवरिंग का बड़ा योगदान था और ये कल कंटिन्यू रह सकता है अगर अमेरिका के बाजारों में कोई खराब प्रदर्शन नहीं देखने को मिला। इसके अलावा आज भी अच्छे नतीजे काफी सारी कंपनियों ने पेश किए, जिससे बुल्स को बल मिला। और कल भी देखिए, बहुत सारे अच्छी कंपनियां हैं जो दरअसल प्रभावशाली कंपनियां जिनके नतीजे आने वाले हैं। बिग बॉय SBI के नतीजे आएंगे, बिग बॉय ONGC के नंबर्स आने वाले हैं, साथ ही M&M, टाटा स्टील, HP, BP, इन तमाम कंपनियों के नंबर्स आने वाले, तो नतीजे बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। आज भी देखिए, नंबर्स जिस तरह से अच्छे आ रहे थे तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। सीमेंट शेयरों में फिर से कल एक्शन देखने को मिल सकता है, जिस तरह से सीमेंट की कंपनियों ने आज अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और एक और जोकर इन द पैक, कच्चा तेल। और देखिए, पिछले
कुछ दिनों से ये जिस तरह से कमजोर हो रहा है इस पर भी नजर रखेंगे, क्योंकि आज इसका भी बड़ा योगदान है। कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली ओवरनाइट, उसने भी बुल्स के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का काम किया है। तो ये दो तीन मूविंग फैक्टर्स हैं, ये अगर सही रहे तो फिर कल तेजी दोबारा देखने को मिल सकती है, क्योंकि और दिन हो गए कमजोरी हो चुकी है और अब लगता यही है कि ये जो बाउंस है, जो पुल बैक है, ये कंटिन्यू रह सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे मार्केट राउंडअप के लिए। और चलिए विस्तार से बाजार की आज की चाल पर हम बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जोवेंड्रो कैपिटल सर्विसेज के रिसर्च हेड अविनाश कोडक्कर, स्वागत है आपका अविनाश जी। तो बाजार में आज हमने जो ट्रिपल सेंचुरी देखी है, ये बताएं इस तेजी पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? कविता, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में तो तेजी का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ग्लोबली मार्केट्स रिकवरी मोड में है, क्रूड के प्राइसेस भी सॉफ्टन हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात आज जिस कंपनी के नतीजे आ गए, मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन नतीजे आ गए। अगर हम ACC के नंबर देखें तो आज ACC ने करीबन 27% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है, जो मार्केट्स को बहुत ही अच्छा लगा है। मेरे ख्याल से आज सारे सीमेंट शेयर ऊपर थे, तो होपफुली ये रिजल्ट्स का जो ट्रेंड अगर कल भी अगर कंटिन्यू होता है और होपफुली ग्लोबल मार्केट्स भी पॉजिटिव टेरिटरी बंद होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट इन द नियर टर्म एक थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग और थोड़ा सा बाउंस और भी कंटिन्यू होगा। मेरे ख्याल से कम 10,650-10,700 तक आई थिंक ये मार्केट्स एटलीस्ट इनिशियल राउंड में जाने की क्षमता रखता है, उसके बाद शायद थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है। बिल्कुल, काफी हद तक हमने देखा कि ग्लोबल ट्रिगर्स सुधरे और उसी हिसाब से बाजार के सेंटिमेंट में थोड़ा सा सुधार आया, अगर मैं आज के कारोबार के लिहाज से ही बोलूं तो अविनाश, लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि बाजार को दिशा मिल गई है? मुझे लग रहा है कि ये कहना जरा प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि बाउंस जरूर देखने को मिला है और जैसे हेमंत ने भी कहा, शॉर्ट कवरिंग का भी इसमें डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन है, तो मुझे लग रहा है कि ये आने वाला हफ्ता ऑब्वियसली थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग वाला होगा। आने वाले हफ्ते में होपफुली एक बार हम डोमेस्टिक फ्लोस को वापस जोर से रिज्यूम होते हुए देखेंगे, तो मेरे ख्याल से ये कहना रॉन्ग नहीं होगा कि वापस डिलीवरी बेस्ड बाइंग आ रही है, और डेफिनेटली हमको लग रहा है कि 10,350 और 10,400 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो मार्केट्स अगर सस्टेन करता है तो मेरे ख्याल से डायरेक्शनल मूव डेफिनेटली तभी से पता चलेगा। बिल्कुल, और कल के लिहाज से अब जो अहम खबरें आज आई हैं बाजार में, कल किस तरह का रिएक्शन हम देख सकते हैं उस पर अब बात करते हैं। चीनी की बात करते हैं अविनाश जी, जहां पर चीनी पर सरकारी नियंत्रण में आ गई है, कीमतों में गिरावट रोकने के लिए सरकार ने मिलों के लिए चीनी बिक्री की सीमा तय कर दी है और जनवरी स्टॉक फरवरी अंत तक होल्ड करने का आदेश भी यहां पर दिया गया है, और इस फैसले से दाम जरूर बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल रणनीति तमाम चीनी स्टॉक्स में आपको लगता है कि अब रिन्यू करने का समय आ गया है? मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली प्राइस इंप्रूवमेंट के लिए तो ये अच्छी बात है, और ये कितना सस्टेन होता है वो आगे देखना पड़ेगा, बट एटलीस्ट इन द नियर टर्म हमको लग रहा है कि शुगर स्टॉक्स में जिस तरीके से पिटाई हो गई थी कि शुगर ग्लोबली के प्राइसेस काफ़ी गिरे थे, और इस प्रकार का प्रोटेक्शन अगर इंडियन गवर्नमेंट शुगर कंपनीज को दे रही है तो हो सकता है कि कल के सत्र में आपको डेफिनेटली एक अच्छा बाउंस जरूर देखने को मिलेगा, बट ये कहना मुश्किल है कि कितना सस्टेन होगा। बट ये इंटीग्रेटेड प्लेयर्स जैसे बजाज हिंदुस्तान है, बलरामपुर चीनी है, दामपुर है, यहाँ पे नजर रखिए, यहाँ पे हमको लग रहा है कि डेफिनेटली ये कंपनीज आर वेल पोजीशन्ड टू एक्चुअली राइड, और यहाँ पे डेफिनेटली प्राइस एक्शन सबसे ज्यादा दिख सकता है। बिल्कुल, कल जैसा कि आपने भी जिक्र किया, काफी अहम नतीजे आने वाले हैं, 6 दिग्गज कंपनियों के नतीजे होंगे पेश, एक एक करके इनका आकलन करते हैं। आपके मुताबिक SBI बताइए कहाँ पर हमें सरप्राइज कर सकता है, किस तरह के नतीजों का अनुमान है आपके मुताबिक? मुझे लग रहा है कि SBI की एसेट क्वालिटी पे हमको शायद एक थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज मिल सकता है, प्लस स्लिपेजेस का जो नंबर है वो प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से अच्छी आने की उम्मीद रहेगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोन बुक ग्रोथ और आगे चल के जो एसेट क्वालिटी का जो फ्रंट है वहाँ पे अगर मैनेजमेंट की कोई पॉजिटिव कमेंट्री आती है तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि SBI ऑलरेडी काफ़ी पिट चुका है और यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छी रेटिंग दिख सकती है, तो SBI पे ये पॉजिटिव फैक्टर्स क्लियरली वॉच आउट करेंगे। और आगे टाटा स्टील, M&M कौन सी कंपनी आपके रडार पे है? मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील के नंबर्स डेफिनेटली कीनली वॉच पे रहेंगे, नंबर्स काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है, ग्लोबली मेटल प्राइसेस बढ़ चुके हैं और जिस प्रकार से इन्होंने अभी इनका एक्सपांशन कलिंगा में अनाउंस किया है, मार्केट्स काफ़ी पॉजिटिव है कि इस क्वार्टर का नंबर काफ़ी जोरदार आना चाहिए। यूरोप का जो बिजनेस है वहाँ पे किस प्रकार की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आती है वो मेरे ख्याल से एक मॉनिटरेबल नंबर रहेगा। रही बात महिंद्रा की, तो महिंद्रा में हमको लग रहा है कि एग्री बिजनेस तो डेफिनेटली अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, डोमेस्टिक बिजनेस में क्या प्रोडक्ट लॉन्चेस रहेंगे और क्या वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी, ये दोनों फैक्टर्स मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ONGC को लेकर आप क्या कहेंगे? 21% का इजाफा मुनाफे में अनुमान लगाया जा रहा है हमारी तरफ से, क्या कहेंगे आप?
ONGC का हमको लग रहा है कि मार्केट्स डेफिनेटली इन रिजल्ट्स को ज़्यादा अहमियत नहीं देगी, क्योंकि अभी ONGC का जो इम्पेंडिंग HPCL का मर्जर है ONGC का, वो मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इनके लिए जो कंबाइंड एंटिटी बनेगी वही मेरे ख्याल से इनको इनके अर्निंग्स को एक कंसोलिडेटेड रूप में एक अच्छा रोड मैप देगी। तो मुझे लग रहा है कि कल का नंबर भले ही थोड़ा सा मार्केट्स के उम्मीद से अच्छा भी आए, बट क्लियरली क्रूड के सॉफ्टनिंग प्राइसेस के कारण स्टॉक में ऐसा कोई बड़ा उछाल आएगा ऐसा नहीं लग रहा है। ओवरऑल हमको लग रहा है FY19 विल बी अ ईयर कविता टू वॉच आउट, जब पूरी तरह से कंसोलिडेशन का पिक्चर HPCL के साथ देखने को मिलेगा। बिल्कुल, अहम ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL BPCL के भी नतीजे पेश होने वाले हैं, बताएं कि कहां-कहां हम देखेंगे इन पे दबाव पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि क्लियरली जिस प्रकार से IOC ने थोड़ा बहुत इन्वेंट्री गेन दिखाया था, शायद हो सकता है कि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इसका फैक्टर प्ले आउट हो, लेकिन जिस प्रकार की क्रूड के प्राइसेस में कमजोरी हमको अभी देखने को मिली है, अगर यही ट्रेंड रहा तो मेरे ख्याल से नतीजे से ज़्यादा मेरे ख्याल से जो आगे का जो आउटलुक होगा वहाँ पे मार्केट्स फोकस करने की कोशिश करेगा। बट ओवरऑल हमको लग रहा है कि इस स्पेस में HPCL डेफिनेटली वर्दी है, अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो आपको शायद एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। चलिए, तो यहाँ पर हमने अहम नतीजों पर तो फोकस कर लिया है, लेकिन बाजार बंद होने के बाद ग्लेनमार्क के आज नतीजे आए हैं जहाँ पे मुनाफे में 78% की कमजोरी हमने देखी है, तो ये काफी निराश करने वाले नंबर्स रहे हैं। और आय की बात करें तो ये आय भी जो है लगभग इसमें भी कमी आती हुई हमने देखी है, लगभग 13% की कमी इसमें भी आई है। कंसोलिडेटेड मुनाफा भी यहाँ पर 480 करोड़ से घटकर 100 करोड़ रुपए आ गया है, तो काफी निराश करने वाली बात नहीं। बिल्कुल, इनफैक्ट हम समझते हैं कि ग्लेनमार्क में इनके US के जो ऑपरेशंस है यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्लियरली यहाँ पे अगर कोई लेटअप आया है कि नहीं, बट ओवरऑल नंबर स्पेस वैल्यू पे बहुत ही कमजोर लग रहे हैं। आई थिंक एटलीस्ट कल के सेशन में कविता लग रहा है कि स्टॉक डेफिनेटली एक वीक ट्रेंड से ही खुलेगा, और उसके बाद जो भी मैनेजमेंट कॉमेंट्री रहेगी कॉन कॉल की वो मेरे ख्याल से विल ड्राइव द स्टॉक। बट ओवरऑल आई थिंक इन नंबर्स के बाद तो डेफिनेटली एक नेगेटिव वीक ट्रेंड से ही मार्केट्स में कल स्टॉक खुलना चाहिए। बिल्कुल, चलिए और भी अहम क्यूज हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है, लेकिन फिलहाल शो को आगे बढ़ाते हैं और निफ्टी स्ट्रैटेजीज जानकार क्या दे रहे हैं आपको बता देते हैं। कुणाल सरोगी की रणनीति आप पेश कर रहे हैं, हम बाइंग की इनकी रिकमेंडेशन 10,525 का स्टॉप लॉस, 10,700 के टारगेट के लिए। विकास आलोक है बिकवाली की रणनीति आपको दे रहे हैं, 10,660 का स्टॉप लॉस, 10,460 के टारगेट के लिए। और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के नीरव वखारिया यहां पर खरीदारी की रिकमेंडेशन लेकर आए हैं, 10,540 का स्टॉप लॉस, 10,630 के टारगेट के लिए। टेक्निकल चार्ट पर निशांत जैन खरीदारी की रणनीति पेश कर रहे हैं पेट्रोनेट LNG में, और स्टॉप लॉस इनके मुताबिक होना चाहिए 246 का, 255 का टारगेट आप लगाएंगे। और वायदा से फायदा में गौरव बिस्सा लेकर आए हैं भारत फौज, और खरीदारी की रणनीति इसमें 752 का स्टॉप लॉस, 780 के टारगेट के लिए। तो ये हमारे जानकारों की राय है, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आज की वैल्यू पिक। वक्त आ गया है आज की वैल्यू पिक जानने का। बताएं विनाशी, इस समय के बाजार में आपने कौन सा कमाई वाला स्टॉक वैल्यू पिक के तौर पे आज चुना है? कविता, आज जो स्टॉक मैंने चुना है वो बेसिकली एक फार्मा कंपनी है जिसका नाम है ब्लिस GVS फार्मा। नाउ ब्लिस GVS फार्मा एक 30 साल पुरानी कंपनी है और ज़्यादातर एंटी मलेरियल और एंटी फंगल सेगमेंट में ऑपरेट करती है। इनके वेरियस प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि लैक्सेटिव्स है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स है और सपोजिटरी और पेसरीज है। इनफैक्ट इनका जो नीश है वो एंटी मलेरियल सेगमेंट में है, और जहाँ पे ब्रांडेड जेनरिक फॉर्मुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सपोजिटरीज और पेसरीज में काफ़ी वेल नोन डोमिनेंट प्लेयर है। इनफैक्ट करीबन 90% इनका बिजनेस अफ्रीकन मार्केट से आता है, और इसका क्लियरली हमने लास्ट 3-4 साल से देखा है वो टॉप लाइन एज वेल एज प्रॉफिटेबल ग्रोथ बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट कंपनी की जो इबिटा मार्जिन्स है वो करीबन 24-25% है, और ये काफ़ी नोटेबल बात है क्योंकि ऐसे बिजनेस में ये मार्जिन्स मेंटेन करना बहुत ही नोटवर्दी है। अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करें तो लास्ट ईयर कंपनी ने करीबन 800 करोड़ की टॉप लाइन पे 193 करोड़ का इबिटा रिकॉर्ड किया था, और करीबन 85 करोड़ की बॉटम लाइन रिकॉर्ड की थी। 10.3 करोड़ की इक्विटी है इनकी, और इन्होंने लास्ट ईयर 60% डिविडेंड भी दिया था। करंट ईयर की बात करें दैट इज FY18 के पहले 9 मंथ्स में ट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी ने करीबन 600 करोड़ की टॉप लाइन रिकॉर्ड की है, इबिटा ऑलरेडी 193 करोड़ हो चुका है जो पिछले साल पूरे साल का था, और इस 9 मंथ्स में कंपनी ने करीबन 101 करोड़ का बॉटम लाइन रिकॉर्ड किया है जो पिछले 9 महीने में करीबन 70 करोड़ था। तो ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग है।
मैनेजमेंट का मानना है कि आगे भी फोर्थ क्वार्टर में एज वेल एज FY19 में ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग होगा, और अफ्रीकन मार्केट्स में क्लियरली ये एक ऐसा मार्केट है जो एशिया पैसिफिक मार्केट्स के बाद सेकंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल मार्केट है इंडियन कंपनीज के लिए, और यहाँ पे ब्लिस GVS फार्मा ने करीबन 20 से 25 साल से अपनी मार्केट लीडरशिप मेंटेन की है। कंपनी ने आगे ये भी कहा है कि और नए एंटी मलेरियल प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करने वाली है, लेकिन इनका मेजर फोकस सपोजिटरी और पेसरीज पे रहेगा। इन्होंने एक रीस्ट्रक्चरिंग भी अनाउंस की है, और जिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इन्होंने अपनी कीनियन सब्सिडरी को बेचने का जो डिसीजन लिया है अप्रैल 2018 से, इससे दो बातें होंगी। एक तो कंपनी की जो डेट है वो काफ़ी कम हो जाएगी, करीबन 170-180 करोड़ की डेट करीबन 35-40 करोड़ होगी, और दूसरी बात ये जो पूरा डील है वो कैश डील है। इन्होंने पूरा कीनियन बिजनेस करीबन 80 करोड़ में बेचने की बात की है, तो यहाँ से हमको लग रहा है कि डेफिनेटली कंपनी को काफ़ी फायदा होगा। क्लियरली जो कीनियन बिजनेस था वो टेंडर बिजनेस था जो अनसर्टन और वोलेटाइल था, तो ये बिजनेस अभी बैलेंस शीट से हट के क्लियरली कंपनी ब्रांडेड जेनरिक फॉर्मुलेशंस पे, सपोजिटरीज और पेसरीज पे फोकस करेगी, जहाँ पे मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट कंपनी का मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि जो डीमर्ज्ड एंटिटी बनेगी FY19 से, वहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन 29-30% रहेंगी, जो पहले 24% थी। तो ओवरऑल हमको लग रहा है कि आने वाले 2 साल कंपनी को ऑपरेटिंग मार्जिन और बॉटम लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया रहेंगे। अर्निंग्स ग्रोथ करीबन 25-30% आने की उम्मीद है। करंट ईयर में हमको लग रहा है कि कम से कम 140-150 करोड़ का बॉटम लाइन कंपनी रिकॉर्ड करेगी, जिसका मतलब है कि FY18 में करीबन 14-15 रुपए के EPS कंपनी रिकॉर्ड करेगी, और आने वाले 2 साल में ये EPS करीबन 18-21 रुपये जाने की क्षमता रखता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल जैसे अगर ऑपरेटिंग रेशियोज भी देखें तो बहुत ही बढ़िया है, 24-25% है, और जो आगे भी जाके और भी अच्छे होंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक को ज़रूर इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है, करीबन 11 का PE पे ये स्टॉक FY19 पे ट्रेड कर रहा है, और 10 के PE पे FY20 पे। तो हमको लग रहा है कि फार्मा स्पेस में अभी ने रिकवरी तो जरूर देखी है, लेकिन ऐसे निश प्लेयर को डेफिनेटली और रीरेटिंग मिलनी चाहिए, और हमारा 1 साल का टारगेट यहाँ पे करीबन 330-340 है। चलिए, तो प्लीज GVS फार्मा आपकी आज की वैल्यू पे के 1 साल का नजरिया, 330 का टारगेट आप रेकमेंड कर रहे हैं। रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपके तमाम सवालों के जवाब स्टॉक फटाफट में। अब देंगे आपके सवालों के जवाब स्टॉक फटाफट में। पहला सवाल बड़ौदा से निशांत का लेंगे, और रैली गियर में खरीदारी कर रखी है, इनकी जो बाइंग प्राइस है वो लगभग 39 के आसपास है, क्या व्यू बनता है अविनाश जी? रेलीगर में हम समझते हैं कि इस कंपनी का जो बड़ा ट्रिगर है कि इनके बिजनेसेस अभी एक बाय एक नए खरीदार खरीद रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम इनकी स्टैंड अलोन बिजनेस को देखें तो थोड़ा सा वीक ज़रूर है, लेकिन हाल ही में इनका जो ब्रोकिंग बिजनेस है, वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है, वो एडलवेस खरीद चुकी है। तो हमको लग रहा है कि इनका अगर नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो 6-12 महीने का व्यू रखे, और तभी उसके बाद एक बार अपसाइड पे ये स्टॉक को इनको निकल जाना चाहिए। सुजलॉन एनर्जी पे बैंगलोर से प्रशांत सवाल पूछना चाहते हैं, 31 की इनकी खरीदारी है स्टॉक में, ये बताएं क्या व्यू लेना चाहिए अब इन्हें? हालांकि इनकी बाइंग प्राइस कविता काफ़ी ऊपरी लेवल की है, मैं इनको यही राय दूंगा कि कोई भी उछाल आए तो इस स्टॉक से निकल जाए, क्योंकि लगातार 2 क्वार्टर से परफॉर्मेंस बहुत ही खराब आया था, और आगे की भी हमको लग रहा है जिस प्रकार से विंड मार्केट में अभी कंपटीशन बढ़ी है, यहाँ से लग नहीं रहा है कि इनको इनकी बाइंग प्राइस मिलेगी, तो कोई भी उछाल में इनको बेचना चाहिए। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, डिस्क्लोजर देना चाहेंगे अविनाश जी? कविता, जो भी स्टॉक्स हमने आज शो पे बात किए, हो सकता है कि हमारे क्लाइंट्स को भी हमने ये स्टॉक्स रेकमेंड किए, पर्सनली मेरी कोई होल्डिंग इन स्टॉक्स में नहीं है। धन्यवाद, और इसी के साथ कल का बाजार में मुझे भी इजाजत दीजिए। नमस्कार।